हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन पाठशाला प्रेजेंटिंग बाय एजु सक्सेस क्लासेस। हम पढ़ रहे थे एमपीजी के मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। और हम शुरू करते हैं, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में, मध्य प्रदेश के पर्यटन और धार्मिक स्थल। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। उसमें से आज हम पढ़ेंगे ग्वालियर के किले, या ग्वालियर के किले के बारे में पढ़ेंगे। ग्वालियर का किला कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर का किला ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश की जो प्राचीन राजधानी थी, मध्य प्रदेश जब पुनर्गठन नहीं हुआ उससे पहले सिंधिया और होलकर वंश की राजधानी रह चुका है। इसकी बात करें हम ग्वालियर की, तो ग्वालियर सिंधिया वंश की राजधानी रहा है, सिंधिया वंश की राजधानी रहा है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है बहुत सारी बार एग्जाम में, व्यापम की एग्जाम हुई या पीएससी हुई, इन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्वालियर या सिंधिया वंश की राजधानी कौन सा शहर है, तो ग्वालियर। ठीक है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें हम पुनर्गठन से पहले, तो सीपी बरार या भाग पार्ट बी की बात करें, तो पार्ट बी की राजधानी भी ग्वालियर और इंदौर रहा था। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज मध्य प्रदेश में ग्वालियर के किलों में, कि ग्वालियर के किले में कौन कौन से प्रमुख किले फेमस हैं, यहाँ पे कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध, किसने बनवाए, किसके द्वारा बनाए गए, और कौन से मंदिर यहाँ पे प्रसिद्ध हैं जिनसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज कि ग्वालियर का किला, जो सबसे प्राचीन किला माना जाता है यहाँ पे, इसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि सूरज सेन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? राजा सूरज सेन द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण किया गया है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सूरज सेन द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सिंधिया वंश की राजधानी रहा है, और ये जो ग्वालियर का किला है ये कोपांचल नामक एक पर्वत है, यहाँ पे ग्वालियर में उस पर स्थित है। कहाँ पे? ग्वालियर में एक पर्वत है, कोपांचल करके एक पर्वत थे, उसके ऊपर किला स्थित है। और ग्वालियर को गालव ऋषि की तपोभूमि कहते हैं। यहाँ पर गालव ऋषि ने तपस्या की थी, इसीलिए ग्वालियर को क्या कहते हैं? गालव ऋषि की तपोभूमि, गालव ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है। आगे बात करें हम तो यहाँ पे और भी मंदिर स्थित है, और भी मंदिर का निर्माण राजाओं द्वारा कराया गया था। यहाँ पे एक फेमस मंदिर है सास बहू का मंदिर, जिसको सास बहू का मंदिर, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ये भी कहाँ स्थित है? ग्वालियर के किले में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें हम तेली का मंदिर, आप लोगों को यहाँ पे चित्र में नज़र आ रहा होगा तेली का मंदिर, इस पर आप लोग स्टार लगा लो बहुत सारे, जितने लगाना चाहो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। आप लोग चित्र में भी देख पा रहे होंगे, द्रविड़ शैली किधर की है? द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में चलती है। द्रविड़ शैली जो मंदिर का निर्माण होता है, शैली होती है, एक द्रविड़ होती है, एक और एक होती है नागर शैली होती है, और एक और होती है वेसर। ठीक है, जो मिश्रित होती है उसको वेसर शैली कहते हैं। अगर हम बात करें कि द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी, और उत्तर भारत में आप लोग आओगे तो नागर शैली देखने मिलेगी। अगर क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बन गया, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग इसको स्टार्ट कर लेना है। पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में कि तेली का जो मंदिर है, और बच्चे अक्सर गलती करते हैं क्योंकि उत्तर भारत में कौन सी शैली चलती है? नागर शैली, और यहाँ पे गलती होती है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेली का मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली में बना हुआ है ना, सॉरी द्रविड़ शैली में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, द्रविड़ शैली में निर्मित एकमात्र उत्तर भारत का मंदिर है ये। यहाँ पे गुजरी महल स्थित है, जो कि गुजरी महल, मान मंदिर, इन दोनों का निर्माण राजा मानसिंह तोमर द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मानसिंह तोमर द्वारा किया गया है ना। गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह ने उनकी रानी मृगनयनी के लिए किया था। किसके लिए किया था? मृगनयनी के लिए। ठीक है, मृगनयनी रानी थी उनकी, उसके लिए उनके लिए गुजरी महल का निर्माण किया था, और मान मंदिर का निर्माण भी राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। आगे बात करें हम लोग तो जय विलास पैलेस, ठीक है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है,
या प्रसिद्ध स्थल है, और सिंधिया राजवंश का घराना या सिंधियाओं का घर भी माना जाता है, मतलब इनका रहने का स्थान है। सिंधिया राजवंश के जो व्यक्ति हैं वो यहीं पे निवास करते हैं, उनका निवास स्थान है जय विलास पैलेस। ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही बड़ा है। आप लोग अगर कभी जाओ ग्वालियर घूमने तो जय विलास पैलेस को जरूर देख के आना। चित्र में आप लोग देख पा रहे होगे, वैसे भी काफ़ी भव्यता द्वारा निर्मित है और हर एक चीज़ इसमें बहुत ही शानदार तरीके से लगाई गई है। अब आगे बात करें, यहाँ पे विष्णु का मंदिर भी है, प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विष्णु का मंदिर और विक्रम महल भी यहाँ पे बनाया गया है। और एक और यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे तानसेन का मकबरा पूछा जाता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो तानसेन का मकबरा या तानसेन की समाधि, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो भी तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। और तानसेन के गुरु कौन थे? मोहम्मद घोष का मकबरा भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तानसेन का मकबरा भी यहीं स्थित है और मोहम्मद घोष का मकबरा भी यहीं पे स्थित है, जो कि तानसेन के गुरु हैं। तो ये होगा तानसेन का, जहाँ मोहम्मद घोष का जहाँ मकबरा है वहीं तानसेन का, और जहाँ तानसेन का वहीं मोहम्मद घोष का। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम अगला शहर। पर्यटन पढ़ रहे हैं हम, पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगला शहर है हमारा शिवपुरी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको शिवपुरी क्यों फेमस है? अगर शिवपुरी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर होने का गौरव प्राप्त है इसको, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर। क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन शहर कौन सा है या पर्यटन नगर कौन सा है, तो वो है शिवपुरी। कौन सा है? शिवपुरी। ठीक है, आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ कभी नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, आप लोग तो आप लोग अपने नोट्स में लिखे उसको। ठीक है, आगे बात करें इसको, तो सिंधिया जो ग्वालियर के राजवंश था उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया? शिवपुरी को बनाया। ग्रीष्मकालीन राजधानी था ये सिंधियाओं की, ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया इसको? सिंधिया वंश ने। अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, वो लोग आप लोग लिख ले। सिंधिया वंश की राजधानी भी रहा है ये, ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है। ठीक है, अगर नॉर्मल राजधानी आ जाए तो ग्वालियर, और अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछ ले कभी कभी तो वो है शिवपुरी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान भी है। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो देखे हैं जिसको पता है, और पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बता देता हूँ मैं एक बार और, कि मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान या सबसे कम टेम्परेचर कहाँ रहता है? शिवपुरी में रहता है। लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर नोट किया गया है शीत ऋतु में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फेमस कुछ मंदिर वगैरह बने हुए हैं या भवन, या बात करें हम कि कुछ महल वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे ये शिवपुरी की बात करें तो शिवपुरी, क्वेश्चन आया हुआ है कि शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है? शिवपुरी काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे नरवर का किला बना हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि नरवर का किला कहाँ स्थित है? नरवर का किला, आगे बात करें नल दयमंती का किला भी यहाँ पे, क्योंकि प्रसिद्ध है काफ़ी, नल दयमंती का किला। आगे हम बात करें तो जॉर्ज कैसल भवन यहाँ पे प्रसिद्ध है। और सिंधिया, माधवराव सिंधिया की समाधि यहाँ पे फेमस है, सिंधिया वंश की क्षत्रिया माधवराव सिंधिया की समाधि। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर ही लगाते हैं, क्योंकि सिंधिया वंश का जो क्षेत्र रहा है, ये जो राज्य रहा है, वो सिंधियाओं ने कहाँ पर राज किया है? ग्वालियर या ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र पर। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधिया, माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर लगाया है बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन क्या आएगा? शिवपुरी में स्थित है। माधवराव सिंधिया की समाधि कहाँ स्थित है? शिवपुरी में। ठीक है,
सिंधिया वंश की क्षत्रिय यहाँ पे स्थित है, सिंधिया वंश की क्षत्रिय यहाँ पे बनी हुई है। आप लोग कभी घूमने जाओ। यहाँ पे सांख्य सागर झील भी निर्मित करवाई गई है सिंधिया वंश द्वारा। सांख्य सागर झील का निर्माण करवाया गया है। आगे बात करें तो यहाँ पे माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यहाँ स्थित है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे प्रसिद्ध है। और एक और अभ्यारण भी है यहाँ पे, करेरा अभ्यारण शिवपुरी में ही है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी करेरा अभ्यारण, जब हम राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण पढ़ेंगे तब एक बार और पढ़ ही लेंगे, लेकिन फिर भी शिवपुरी पढ़ रहे हैं तो यहाँ की कुछ विशेषताएं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पुराने वीडियो को ज़रूर देखें, और MPPSC की अगर लगातार आपको तैयारी करनी है तो आपको डेली की क्लासें मिलेगी, पूरी सीरीज आपके सामने लाई जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।